और खबर अब रायबरेली से है, जहां बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही महिला को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी है। इससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। और आपको बता दें कि महिला सोनालिका सोनकर, जो कि सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही थी, इस हादसे का शिकार हुई है। रोडवेज बस ने महिला को टक्कर मार दी और घायल अवस्था में ही स्थानीय लोगों ने महिला को जिला अस्पताल भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि महिला के सर और हाथ पर गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि पुलिस बस चालक को तलाशने में जुट चुकी है। सोनालिका सोनकर नाम की 35 साल की महिला आई हुई है, जिनके सर पे चोट लगी है और दाहिने हाथ पे चोटें लगी हुई हैं। बाकी कुछ स्कूल, ये अपने बच्चों को छोड़ने स्कूल जा रहे थे, उसी समय किसी बस ने मार दिया ठोकर। ये बस स्टाफ की घटना है, ये बस स्टाफ के रहने वाली भी हैं वहीं पे। बाकी इनके सर में दाहिने हाथ पे चोटें लगी हैं। बाकी इनको मैं ट्रीटमेंट करके एडमिट कर दिया। बाकी आगे देखा जाएगा सर्जन साहब क्या कर रहे हैं, बाकी ट्रीटमेंट सर्जन साहब। और अब रायबरेली की ओर करेंगे, जहां से खबर सामने आई है कि लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। यहां पर अनियंत्रित तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे कि मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि घायल व्यक्ति का नाम दिनेश कुमार है, जिसकी उम्र 30 साल है। और स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। एक दिनेश नाम का व्यक्ति 30 साल का हरचनपुर सीएससी से रेफर किया गया है, जिसको सर में चोटें आई हैं और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, गले में खून की उल्टी कर रहा, बहुत ज़्यादा सीरियस है, एक्सीडेंट हुआ है। ये करीब बता रहे हैं अटेंडेंट जो है आस्तिक मंदिर है, उसी के आसपास कहीं हुआ है। अब ये बहुत सीरियस कंडीशन, जिसको एडमिट कर दिया, उसको ट्रीटमेंट किया जा रहा है, बाकी सर्जन साहब को इन्फॉर्म कर दिया गया। रायबरेली जनपद में बदमाशों के हौसले एक बार फिर से बुलंद हो गए हैं। आपको बताते चले कि रात में मोटरसाइकिल सवार युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी है। मामला है सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत मिर्जहाजपुर का। यहां पर आपको बता दें कि रहने वाले मोहम्मद तारिक 4 किलोमीटर दूर धरे गांव में अपने मकान का निर्माण करवा रहे थे। और कल देर रात को मोहम्मद तारिक अपने बुलेट मोटरसाइकिल से अपने गांव वापस लौट रहे थे, लेकिन इसी दौरान रास्ते में प्लेटिना मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों ने पीछे से उन्हें गोली मार दी है। गोली लगने की वजह से महमूद तारिक गंभीर रूप से घायल हो गए, तो वहीं गाड़ी में बैठे दूसरे बदमाशों ने मोहम्मद तारिक की बुलेट मोटरसाइकिल भी छीन ली और मौके से फरार हो गए हैं। घायल मोहम्मद तारिक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां घायल की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। ये हमारे भांजे हैं मोहम्मद तारिक, और ये धरई में घर बनवा रहे थे अपना मकान। वहाँ से 2-3 दिन से लगभग रोज़ रात में 9:30-10 बजे आते हैं। कल जो है रात में आ रहे थे ये अपनी मोटरसाइकिल से, इनके पीछे दो बदमाश आए मोटरसाइकिल सवार प्लेटिना से, और उन्होंने जो है इन पर पीछे से अटैक किया, गोली चलाई इन पर, और ये गिर गए। तो इनके मोटरसाइकिल लेके बदमाश उन्हीं में से एक जो है मोटरसाइकिल उठाया, दोनों उसी पर बैठ के अपनी मोटरसाइकिल छोड़ के प्लेटिना UP-72 है उसको छोड़ के भाग गए और हमारी बुलेट ले गए। अभी पता चला है कि बुलेट स्थान चौकी में है। किसी के ऊपर शक है या इसकी शिकायत किसी को किया आपने? नहीं, हमने इसकी शिकायत जो है स्थानीय थाने में अपने जो है सलोन एसओ साहब को हमने किया है, और वो हमारे साथ में थे भी, PSC सलोन गए साथ में लेके, वहाँ से रिफर करवा के हम लाए। शक किसी पे नहीं। एक दिनेश नाम का व्यक्ति 30 साल का हरचनपुर CSC से रेफर किया गया है, जिसको सर में चोटें आई हैं और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, गले में खून की उल्टी कर रहा, बहुत ज़्यादा सीरियस है, एक्सीडेंट हुआ है। ये करीब बता रहे हैं अटेंडेंट जो है आस्तिक मंदिर है, उसी के आसपास कहीं हुआ है।